और थोड़ी एक जैकेट लिप भी पहनूंगा क्योंकि ठंड लगेगी मुझे, ठंड है इतनी। गुड आई विल कैरी। और शूज पहन के लाइक अभी 7:40-7:45 भी हुए हैं, आई विल रीच ऑफिस या बाय वॉक और आई विल टेक ई रिक्शा। बट अगर ई रिक्शा मिल गया सवारी के हिसाब से तो मैं ले लूँगा, अगर नहीं मिला तो बाय वॉक ही जाऊँगा। लाइक बाय वॉक मुझे अराउंड 40 मिनट्स लग जाएंगे, और अगर ई रिक्शा ले तो 20 मिनट्स लग जाएंगे। तो ई रिक्शा और वहाँ जाके फिर ऑफिस में जाके ब्रेकफास्ट करूँगा मैं। ऑफिस जाके आई विल हैव टी, पोहा जो भी है वो करूँगा। अभी थोड़ा लाइक रूम भी ठीक करना है, रूम ठीक करता हूँ। और बाकी तो आईडी वगैरह कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी वगैरह। तो अगर आप आईडी भूल गए तो आपको ऑफिस में एक्सेस ही नहीं मिलेगा, फिर तो आप बाहर जाओ। आईडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आईडी शायद मैं यस आईडी लेके आया हूँ। आईडी लाइक मोस्टली गर्मी यू हैव टू कैरी, बट अभी सबको क्यों बताना एक्चुअली। तो आई विल पुट इट इन बैग, बैग में डाल के बस एक अपना लैपटॉप। ऑयल लगा लिया, ऑफिस के लिए डिसेंट सा हेयर कट, डिसेंट से हेयर स्टाइल रख के जाओ, अच्छा इंप्रेशन बनता है। मुझे खुद नहीं पता मैं ई रिक्शा में जा रहा हूँ बाय वॉक जा रहा हूँ। आज तो व्लॉग बनाना था, फर्स्ट व्लॉग, तो उस वजह से मैंने जल्दी किया है सब। वरना तो लाइक जिस टाइम में मैं आज निकलूंगा उस टाइम में उठता ही हूँ। लेट्स गो, शूज भी पहन लिए मैंने, बैग आप कैरी करता हूँ। अभी मैं रेडी हूँ, बैग वगैरह सब मैंने कैरी कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं ऑफिस, ऑफिस में फिर पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर देन ऑफिस के अंदर एंट्री लेंगे, फिर काम शुरू करेंगे, फिर कॉफ़ी ब्रेक वो होते रहेंगे। तो अभी पहले यहाँ से ऑफिस निकलते हैं। तो सब रेडी है, अभी मैं रूम पहले क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं, मेन गेट पहुँच गया हूँ मैं रूम के पीछे के। तो यहाँ से खोल के फिर मैं निकलता हूँ ई रिक्शा। आई विल फाइंड ई रिक्शा और वॉकिंग डिस्टेंस में 200 मीटर्स के बाद ई रिक्शा देखते हैं। ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल सी है, दैट वी कैन मैनेज। ज़्यादा नहीं है ठंड। अब यहाँ से ई रिक्शा देखता हूँ, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस जो है जो दिखाता है इट्स 4.5 किलोमीटर, बट मेरे रूम से अगर मैं फ्लाई ओवर की तरफ से जाऊँगा एंड वहाँ से शॉर्टकट है तो इट विल बी ओनली 1.5 किलोमीटर। काफ़ी कम है अगर बाई वॉक कवर करूँ। और लाइक अगर ई रिक्शा का वेट करता है, ई रिक्शा चलते ही नहीं, कोई वहाँ तक जाने के लिए रेडी नहीं होता, बोलता नहीं बुकिंग में चलो, एंड बुकिंग में दे आर चार्जिंग में 200 बक्स। तो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है 1.5 किलोमीटर के लिए। उतना तो वॉक भी कर लूँगा मैं, और एक्चुअली मैं वॉक ही करने वाला था, मैं जो कर ही रहा हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है ऑफिस जाते हुए, ग्रीनरी है काफ़ी, सही भी लग रहा है वॉक करते हुए, रिफ्रेशिंग से फील आ रहा है। पहुँच जाऊँगा लाइक 40 मिनट्स तो लगेंगे मुझे। बीच में मुझे लाइक जो वहाँ पे सेक्टर 126 में जो गांव है उसके अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी, वहाँ से एग्जिट लेके फिर गेट नंबर 3 से मुझे एंट्री लेनी पड़ेगी। काफ़ी गेट है, 3 गेट है, 3, 4, 5 गेट है, बट एंट्री मुझे चाहिए 3rd गेट ताकि वहाँ से मेरा जो टावर है वो ज़्यादा पास पड़ता है। अभी हमने लिए गेट नंबर 4 से एंट्री, वैसे लेनी 3 से थी बट वो शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो गया, सो 4 नंबर गेट से एंट्री लिया। कोई नहीं, अभी टावर अपने जो टावर है मेरा उसकी तरफ चलते हैं, आपको कैंपस दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर कैंपस है।
ये एक पार्ट है गेट नंबर 4 के पास, वो आगे तो बहुत ही बड़ा कैंपस है। अभी लाइक अभी ना ज़्यादा कोई आया नहीं है, 8:47 ही हो रहे ना, तो लाइक 9:30 के अराउंड ही काफ़ी लोग कैंपस में दिखते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे ये करना पड़ता है कि लाइक कभी कभी तो मुझे मैप गूगल मैप लगाने पड़ते हैं गेट नंबर अपने टावर में जाने के लिए, कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। अभी भी कहीं बेसमेंट में मैं चल रहा हूँ और अपना टावर देख रहा हूँ कि किस साइड से पड़ेगा, एरो लगे रहते हैं बोर्ड, सो यू विल गेट एन आइडिया। पार्किंग उधर है अगर आप अपनी व्हीकल लेके आ रहे हो तो। देख रहा हूँ अभी बस डायरेक्शंस देख रहा हूँ कहाँ से मिल जाए मुझे बस। तो बेसिकली इस एरिया में हम आते हैं जैसे दिन का टाइम होता है, थोड़ा धूप सेकने। ये पूरा गोल्फ का ग्राउंड है, उधर हमारा कैफेटेरिया है साइड, यू कैन सी ग्राउंड में भी बैठते हैं। अभी जाते हैं टावर, लाइक अभी कैफे में बैठते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि इतनी मॉर्निंग में तो कोई आया ही नहीं होगा। तो गाइस अभी पहुँचे कैफे नंबर 2 में, वहाँ जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, पोहा या लाइक उपमा कोई भी लाइट से ब्रेकफास्ट। अभी एंट्री लेते हैं देन उसके बाद अपने ऑफिस चलेंगे, ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं फिर। सो गाइस मैंने अभी ब्रेकफास्ट में लिया है आलू की सब्ज़ी और पराठा, और इसके जो प्राइस है सिर्फ 42 है, तो काफ़ी लाइक काफ़ी सस्ता फूड है यहाँ पे कैंटीन से अगर आप लेते हो तो। सो ये है हमारा ब्रेकआउट एरिया, यहाँ पे हम लेते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी की मशीन तो अभी ये वाली ख़राब है, अभी चेंज हो जाएगी। सो ये मेरी फर्स्ट कॉफ़ी आज की। सो गाइस अभी मैंने लिया है लंच, अभी 1:30 हुए तो 1:30 बजे करीब लंच लिया है ताकि थोड़ा नीचे जाएं लंच पे। देखते हैं कैंटीन में जाता हूँ, मेन्यू देख लेता हूँ क्या मेन्यू है, उसके हिसाब से डिसाइड करूँ। सो गाइस अभी बाहर निकले हम लंच करने, अभी देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा कैंपस है, काफ़ी सुंदर कैंपस है। डे टाइम में तो काफ़ी लोग आते हैं, धूप में बैठते हैं ठंड के टाइम, अब देखते हैं गर्मी में क्या होता है, गर्मी में तो कोई आएगा नहीं बाहर। अभी यहाँ से कैफे 2 में चलते हैं, वहाँ देखते हैं पहले मेन्यू, ऐप के थ्रू मेन्यू चेक करेंगे फिर देखेंगे वहाँ खाते हैं थाली या बाहर ही जाना पड़ेगा आज। सो गाइस बगल में है ये सबवे और अभी मैं लाइन में लगा हूँ फूड की लाइन में, यहाँ थाली के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। थाली की जो प्राइस है 52 रुपीज़ है, तो काफ़ी सही क्वांटिटी मिल जाती है इसलिए थाली के लिए ज़्यादा लंबी लाइन रहती है। सबवे आप नॉर्मली 2 खाते नहीं ज़्यादा लोग, काफ़ी क्राउड रहता है लंच टाइम में कैंटीन में। सो अभी मैं लंच करने के बाद थोड़ी वॉकिंग करने निकला, काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। अभी कैंपस दिखा देता हूँ थोड़ा, ये बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है इधर, और काफ़ी लाइक वॉकिंग के लिए काफ़ी बड़े बड़े पाथ बना रखे हैं, तो इसमें लंच के बाद मैं वॉक कर लेता हूँ थोड़ा। सो गाइस ये वेंडिंग मशीन, तो यहाँ कुछ भी देख के हम वी कैन ऑर्डर या स्कैन करके। सभी बच गए 5:30 और लाइक ऑफिस में भी ज़्यादा कोई नहीं है, अभी सब चले गए हैं। सो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा ऑफिस से मैं भी निकल जाऊँ घर। सो गाइस आज का दिन खत्म, यहाँ से निकल गया हूँ ऑफिस से, अब यहाँ से सीधा जा रहा हूँ पीजी, यहाँ से लूँगा रैपिडो, देन रैपिडो से सीधा पीजी, वहाँ से करोल बाग निकलूँगा कुछ काम था, तो यहाँ से तो निकल रहा हूँ गेट नंबर 1 से एग्जिट ले रहा हूँ, फिर वहाँ से सीधा पीजी।
वहाँ से पहले काम करूँगा करोल बाग वगैरह जाके, उसके बाद रात को थोड़ा जो बचा कुछ खा लो वो करूँगा। सो फाइनली गाइस मैं आ गया रूम और मैं लेके आया हूँ बेसन और एग, और अब मैं बनाऊँगा पकौड़े। रूम में खाली बैठा था, सोचा कुछ बनाता हूँ तो पकौड़े बनाता हूँ। पकौड़े बना के खा के फिर थोड़ा काम करूँगा, फिर सोचूंगा।